सबसे बड़ा समाचार निकल के सामने आया है, नोएडा में विवेक अग्निहोत्री में फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नोएडा के जीआईपी मॉल के सिनेमा हॉल में मंगलवार शाम दर्शकों ने उन फिल्म को जानबूझकर रोकने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी लगाई। वहां पर पुलिस भी पहुंच गई थी। पुलिस के मुकाबले मंगलवार को जीआईपी मॉल के सिनेमा हॉल में फिल्म द कश्मीर फाइल का संचालन अचानक बंद करा दिया था। इसके बाद फिल्म देखने वाले दर्शकों का सीजन शुरू हो गया है। हिंदू संगठनों के लोग भी मौके पर पहुंचे और मैनेजर इजाज खान पर जानबूझकर फिल्म बंद करवाने का आरोप भी लगाया था। पुलिस मौके पर पहुंची और किसी भी तरह मामले को सुलझाया और शूटिंग भी शुरू की थी। पुलिस के मुताबिक इसी खराबी के कारण फिल्म के बीच भी रोक दी गई थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस अलीगढ़ में दर्शकों ने फिल्म खराब प्रिंट से गुलजार रहे हैं। मामला नई बस्ती में सीमा टॉकीज से जुड़ा हुआ है। तो सिनेमा घरों में फिल्म देखने वाले ग्राहक फिल्म द कश्मीर फाइल्स के नुकसान से नाराज हुए हैं। कितने समाचार हमारे सामने आए हैं, आप इस समाचार के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जरूर से कमेंट करके बता सकते हो। रोज बरोज के नए समाचार सबसे पहले देखने के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना।